हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह हमारा क्वेश्चन है, यह हमारा नंबर सीरीज का है। हम कह सकते हैं अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू है, फिर अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू है, ऐसी ही वैल्यू चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, कहाँ तक? इन्फिनिटी। ऐसे क्वेश्चन को करने की हमारी दो मेथड होते हैं। जो हमारा पहला मेथड होता है, ये सिंपल होता है। ये क्या कहता है? ये कहता है कोई संख्या हो, कोई दो संख्या हो, उनका गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, वो 12 होना चाहिए और डिफरेंस 1। यानी कोई दो संख्या हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन 12 होना चाहिए और डिफरेंस 1, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर इसमें होगा क्या? कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आपका आंसर 4। 4 क्यों होगा, 3 क्यों होगा? 4 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया गया है। अगर यहीं पर माइनस दिया होता तो आपका आंसर निश्चित ही 3 होता, ठीक है। जैसे अंडर रूट ये माइनस के अंदर, माइनस माइनस के अंदर, फिर माइनस, अंडर रूट ऐसे करके इन्फिनिटी, तो 3 × 4 = 12 अंदर माइनस दे रखा है, तो सीधे सीधे आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। बट हमारे जो पहला मेथड है, हर कहीं पे थोड़ी काम करेगा। यानी पहली संख्या गुणनफल दूसरी संख्या गुणनफल को इंटू करें तो हमेशा संख्या जो क्वेश्चन में दी होगी वही थोड़ी होगी, या कभी ज़्यादा हो जाएगी या कम होगी, सटीक नहीं बैठेगी। तो इसके लिए हमारे लिए मेथड सेकंड है। मेथड सेकंड क्या कहता है? मेथड सेकंड क्या कहता है? अंडर रूट के अंदर अंडर रूट के अंडर रूट के अंदर अंडर रूट, फिर ये इन्फिनिटी जा रहा है। तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है ये यूज़ होगा, कौन सा? इसके लिए 1 + √1 + 4a, ठीक है, 1 + 4a / 2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला कहता है, ये हमारा क्या कहता है? फॉर्मूला, ठीक है। जैसे हमने एक संख्या मान ली यहाँ पे, कितनी? 13 मान ली, समझ लीजिए, ठीक है, 13 मानी हमने संख्या, ठीक है, 13 मान ली, ठीक है। 13 को अगर हमने किसी दो वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन करते नहीं होगा, तो इसके लिए हमारा ये फॉर्मूला होता है, जैसे 1 + √1 + 4 × a, ए कितना है हमारा? 13/2, ठीक है। यानी अगर हम 13/4 करें तो हमारा 52 आता है, ठीक है। यानी 1 + √1 + 52/2 करें तो आपका आंसर सीधे ही आ गया 53/2। ये सीधे सीधे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सेकंड मेथड, हर किसी में एक ही जैसे प्रूफ नहीं लगता, ठीक है। अब आपका इसके लिए फॉर्मूला क्या हुआ? अगर जैसे ये है अंडर रूट के अंदर अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर, बट यहाँ पे माइनस है, तो इसके लिए कौन सा फार्मूला? इसके लिए जो फार्मूला यूज होगा ये बस सबसे माइनस वन आएगा सबसे पहले, प्लस बाकी सेम है, 1 + 4a, ठीक है, 2, ठीक है, 1 + 4a 2, ठीक है। अगर इसे इम्प्लीमेंट करना, हमने इम्प्लीमेंट करना है, जैसे 13 में ले लो, 13 - √13, ठीक है, 13 के अंदर 13, फिर माइनस में 13, ऐसे भी इन्फिनिटी में जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा? -1 + √1 + 4 × a / 2, ये तो कहा हमने, ठीक है। इसको देखा हमने तो हमें क्या पता, माइनस वन
प्लस अंडर रूट 1 + 4 इंटू 13, 4 × 13 कितना होता है 52/2। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा आंसर होगा ये हमारा 53 होगा, -1 √53/2 ये हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट होता है। इसे हम नेचुरली दो टाइप से बड़ी सावधानी से और जल्दी कर सकते हैं, प्रैक्टिस बनेगी तो हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन दूसरे अप्रोच में है, क्या होगा जब अंडर रूट के अंदर अंडर रूट ये अब इंटू में हो, अगर इंटू में हो तो ठीक है, इंटू में तब क्या, इसके लिए हमें एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। ठीक है, कंसेप्ट, कंसेप्ट हमारा क्या कहता है कि मान लिया कोई अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू है, कोई भी जैसे दो है वैल्यू, ठीक है दो है वैल्यू, दो है वैल्यू ऐसे जाते 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 रहेगी। तो यानी कह सकते हैं, तो इसको एक्स मान लिया हमने, एक्स मान लिया, ठीक है, यानी तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 × x कह सकते हैं ना। ठीक है, अगर हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, स्क्वायर करने पर एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2 × x, ठीक है स्क्वायर, इस स्क्वायर से हमारा ये कट गया, तो अब हम पे क्या बचा, क्या बचा, एक्स बचा स्क्वायर वाला, और क्या बचा 2 × x। ठीक है, तो इस एक्स से ये कट गया, यानी कि एक्स इक्वल टू 2। यानी कि हम सीधे सीधे कह सकते हैं अगर रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर इंटू में जा रहे थे, सीधे सीधे आंसर वही होगा जो आपकी वैल्यू दी होगी, कह सकते हैं ना। ठीक है, इसी में ही एक और क्वेश्चन आता है, वो कह देता है कि कोई वैल्यू है, वैल्यू के अंदर वैल्यू, फिर वैल्यू के अंदर वैल्यू, वैल्यू के अंदर ये हमारी nth टर्म तक जाती है, तब कौन सी अप्रोच, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला है a। ठीक है, a है जो इसकी पावर होगी 2n − 1/2n। ठीक है, ये हमारा इसके लिए फॉर्मूला होगा। इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, जैसे जैसे हमसे पूछ दिया इसने 8 6th टर्म मांग दी इसने, तो हमारा a कितना हो गया 8 और n कितना हो गया 6, हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो a कितना है 8, a की पावर 2n − 1/2n। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं 8 × 6 − 5 तो 2 × 5/12। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जो आपकी यहाँ पे याद रखने की बात है वो ये है आपके फॉर्मूले। ठीक है, पहला तो आपका अगर प्लस दिया हो तो आपका हो जाएगा 1 + √, ठीक है 1 + 4a / 2। ऐसे ही अगर माइनस दिया हो आपको, इफ़ अंडर रूट के अंदर प्लस और अंडर रूट के अंदर माइनस, तो यहाँ पे माइनस में लगेगा, बाकी फुल सेम है 1 + 4a / 2, यह है 2। ठीक है, ये दो हैं आपके, ये रूट के अंदर रूट वाले हैं, बाकी दो फॉर्मूले। ठीक है, पहला तो इंटू वाला, अंडर रूट के अंदर इंटू में अंडर रूट, इसमें जो वैल्यू होगी वो सीधा आपके आंसर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू होगी, वैल्यू क्या थी आपकी a, ठीक है सीधे से आंसर। ठीक है, अगर वहीं से ही एंड तक जा रही है तो a 2n − 1/2,
ये इसकी पावर है, एक ही पावर है, ठीक है। ये आपके ऐसे कंसेप्ट हैं, छोटे मोटे कंसेप्ट हैं, ये आप याद करेंगे तो निश्चित ही कुछ कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।